तो वेलकम बैक दोस्तों, तिवारी का डेकोर की एक नई वीडियो के अंदर। तो आज आपके लिए हम फिर से ब्रेजा की मॉडिफिकेशन लेके आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक स्पेशल चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, वो आज हम सुबह करने वाले हैं। तो वीडियो एंड बिल्कुल एंड तक देखना गाइस, बिल्कुल एंड तक। हल्का सा भी पार्ट जो है मिस मत करना। चेक करवाता हूँ इसमें क्या कुछ अपग्रेड होने वाला है एक एक करके। तो सबसे पहले फ्रंट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 इंच के प्रोजेक्टर लगने वाले हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पे हमारा वीडियो कार्ड लगने वाला है। साथ में यहाँ पे और क्या कुछ अपग्रेड है, तो यहाँ पे जो मेन वीडियो आज बनने वाली है वो हमारे अलॉय पे, अलॉय आपको एंड में चेकआउट कराऊंगा। ये हमारा सस्पेंस रहने वाला है, आपको एंड में दिखाया जाएगा क्या कुछ अपग्रेड है। बाकी इसके अंदर नॉर्मल मॉडिफिकेशन चली रही है अपनी, जो हर बार होती है। जैसे अंदर सीट कवर्स लग रहे हैं हमारे, यहाँ पे थोड़ी कीचड़ हो रही है, आपको दूसरी तरफ से चेकआउट करा देता हूँ। तो ये देखिए पूरी गाड़ी को यहाँ पे खोल दिया गया है। बाकी हमारे यहाँ पे स्टीयरिंग लगने वाला है, स्टीरियो लगने वाला है, डब्बा देती है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं कपड़े की सीट कवर, अब इसको हटा के यहाँ पे हम लगा देंगे। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा आर्मरेस्ट लगेगा और साथ में हमारे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी लगने वाली है। अब जैसी गाड़ी का काम कंप्लीट होता है, दिखाते हैं फाइनल लुक गाड़ी की क्या कुछ रहने वाली है। फाइनली भाई गाड़ी का जो सारा काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्या कुछ इसमें हमने अपग्रेड करा एक एक करके मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट में जो गाड़ी की लुक को बढ़ा रहा है वो है हमारी यहाँ पे ग्रिल। चेक कर सकते हैं यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है, पूरी ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाली। फिनिशिंग वगैरह चेक कर लीजिए, पूरी की पूरी यहाँ पे पियानो ग्लोर हमारी रहने वाली है। नेक्स्ट जो इसमें जो गाड़ी की लुक को और बढ़ा देता है, बॉडी पेंट के साथ आपको यहाँ पे हमने ABS गार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करा है। चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग चेक कर लीजिए कितनी प्रॉपर रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेजा की बेजिंग भी देखने को मिल रही है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो इसमें मेन जो हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया है, 2 इंची का प्रोजेक्टर रहने वाला है। और साथ में इसके ऊपर हमने यहाँ पे फॉग लाइट क्रोम भी लगाया है। फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, प्रॉपर MGB का जेन्युइन पार्ट रहने वाला है। और इस पर आपको 61% ऑफ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने यहाँ पे LED इंस्टॉल करी और हेडलाइट में भी LED रहने वाली है, जिसका कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए कुछ इस तरीके से रहेगा। डिपर के साथ काफ़ी अच्छा वाइड रेंज आपको देखने को मिल जाता है, हाईवे वगैरह पे कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या कुछ हुआ है, जो आपको मैंने कहा था सस्पेंस रहने वाला है, तो ये देखिए भाई 18 इंची के यहाँ पे अलॉय लगा दिए गए ब्रेजा के अंदर, जो कि फर्स्ट टाइम ही रहने वाला है। चेक कर सकते हैं पूरी फिटिंग के साथ, ये देखिए प्रॉपर फिटिंग के साथ। ऐसा नहीं कि जब आप यहाँ पे गाड़ी के टायर्स को रोटेट करो तो यहाँ पे अड़े वगैरह, कुछ भी नहीं। अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर करी गई है। और साथ में फिनिशिंग चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए अलॉय की किस तरीके से रहने वाली है, देख सकते हैं आप। गाड़ी की लुक को कुछ अलग ही लेवल पे यहाँ पे लेके जाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं रेंज ओवर वेंट जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया। उसके बाद VLR के यहाँ पे 61% ऑफ में लगा दिया गया है, जो कि मारुति जेन्युइन रहने वाला है। उसके बाद साइड बिंडिंग लगाई गई है, इसमें भी 61% ऑफ आपको देखने को मिल जाता। उसके बाद गाड़ी की लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए पूरी टेपिंग करी गई है गाड़ी की, चेक कर लीजिए। टेपिंग की आपको 5 साल की वारंटी मिलती है कि आपका पेंट वगैरह कभी नहीं उतरेगा जब भी आप इसको उतारेंगे। तो डोर वाइजर लगा दिया 61% के ऑफ में, आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं MRP पे आपको देखने को मिल जाता है। लोअर गार्निश लगाई है 61% ऑफ पे। साथ में बात करें इसमें बैक लुक में क्या कुछ किया गया है, तो हर बार की तरह यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टर लगाया है। और उसके बाद यहाँ पे ABS गार्ड भी देख सकते हैं, पूरा बॉडी पेंट के साथ रहने वाला है। गाड़ी की लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। मेन जो इंटीरियर चेकआउट कराता हूँ, इंटीरियर में हमने क्या कुछ अपग्रेड किया। तो फाइनली भाई वो आ चुके अब इंटीरियर में। इंटीरियर में हमने यहाँ पे क्या कुछ अपग्रेड करा है एक एक करके चेकआउट कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस जाता है ये है हमारा स्टीयरिंग। स्टीयरिंग यहाँ पे चेंज किया गया है, चेक कर सकते हैं ZXI वाला स्टीयरिंग है। 1 लाख के प्लस के बिल पे आपको 2000 रुपये एक बार देखने को मिल जाता है। अगर आपका 1 लाख का प्लस का बिल है तो जो 3500 का हम स्टीयरिंग देते थे आपको ZXI प्लस का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये का पड़ेगा। उसमें भी 500 रुपये आपको अब ऑफ हमने कर दिया है। 2500 वाला 2000 में मिलेगा, 3500 वाला आपको 3000 में ही देखने को मिल जाएगा। और ये सिर्फ आपको कहाँ मिलने वाले रेट्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ तिवारी का डेकोर में। नेक्स्ट बात करें इसमें हमने और क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड करा, तो स्टीयरिंग को थोड़ी यहाँ पे लग्जरी लुक देने के लिए हमने कर दिया स्टीयरिंग रैप, जो कि मून डिजाइन के अंदर हमारा स्टीयरिंग रैप रहने वाला है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे फिटमेंट वगैरह आपको चेक कराता हूँ। OEM फिटिंग के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, चेक कर लीजिए। ये देखिए प्रॉपर OEM फिट रहने वाला है। देखिए हल्का सा भी कपड़ा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे बाहर देखने को नहीं दिखेगा आपको। साथ में ग्रिप भी आपकी अच्छी बनेगी और उसके ड्राइविंग करने में भी मजा आ जाएगा आपको। और बात करें इंटीरियर, जब तक आप एम्बिएंट लाइट नहीं लगवाते तो इंटीरियर आपका लग्जरी नहीं बन पाता। खैर अगर आप सीट कवर भी लगवाते हैं तब भी लग्जरी बन जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट लगाते हैं ना गाइस, इसके बाद तो लुक जो है ना गाड़ी की कुछ अलग ही निकल के आती है। वो आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या लुक लग रही है हमारी गाड़ी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि जैगुआर मर्सिडीज वगैरह में नहीं बैठते हम, सेम वैसी वाली फीलिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। साथ में यहाँ पे 3300 रुपए के अंदर यहाँ पे हमने MGP का जेन्युइन यहाँ पे सनग्लास होल्डर लगा दिया है।
फिटिंग यहाँ पे 0 to 0 रहती है, कोई गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें जो हमने बल्ब दिया है कॉम्प्लीमेंट रहने वाला है हमारी तरफ से, देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी बल्ब चेंज कर दिया, ये भी कॉम्प्लीमेंट आपको हमने दे दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आप अपने प्रीमियम सनग्लासेस भी रख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे तो एम्बिएंट लाइट देखिए हमारी K4 रहने वाली है, उसके बाद किसी भाई को K3 चाहिए तो K3 भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ चेक कर सकते हैं डोर पे यहाँ पे किया गया है लेदर रैप, फिनिशिंग चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए, डिजाइन चेक कीजिए, डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में इसके ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, हल्का फुल्का देख सकते हैं यहाँ पे, कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पे परफेक्शन के साथ यहाँ पे काम किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है क्या और अपग्रेड है इसमें, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मैट डाल दिए हैं, ये हमारे लाइफ लॉन्ग मैट रहने वाले, जब तक आपकी गाड़ी है तब तक आपके ये मैट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने और अपग्रेड करा है तो क्रोकोडाइल वाली यहाँ पे फ्लोरिंग करी गई है, फुली वाटर प्रूफ, एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी, और यहाँ पे स्मेलिंग की भी प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलती है, डस्ट वगैरह जो भी होगी गीला कपड़ा मारो बिल्कुल नहीं जैसा। और साथ में इसमें और क्या कुछ हमने और अपग्रेड करा है तो ये देख सकते हैं स्टीरियो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कंपनी डब्बा देती है, कुछ भी काम का नहीं होता, उसको कस्टमर को रिटर्न कर दिया है, अब उसकी जगह हमने यहाँ पे टच स्क्रीन लगा दी है, चेक कर सकते हैं डेप्थ का रहने वाला है, फिटिंग और टच रिस्पॉन्स बिल्कुल A1 क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ देखिए रिस्पॉन्स, भाई साहब ऐसे लग रहा है जैसे बटन नहीं होता बिल्कुल स्मूथ, वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहने वाला है। साथ में किसी भाई को इनर हैंडल रिप्लेस करवाना है तो 500 रुपये में आपके इनर हैंडल भी रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमने किट इंस्टॉल करी है, अब हमारी ये किट जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये में देखने को मिल जाएगी। अगर किसी भाई को वुडन चाहिए जो हमारे ZXi+ में आते हैं वो आपको सिर्फ 7500 रुपये में मिलेंगे, और किसी भाई को पेंट करवाना है तो आपको वो 5500 रुपये में ही देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसमें हमने और क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड करा है, अब जो मेन रह गया हमारा यहाँ पे सीट कवर, सीट कवर की लुक देखिए क्या ही प्रीमियम लुक लग रही है, फिटिंग देखिए कितनी प्रॉपर है। उसके बाद यहाँ पे थाई सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, फुली थाई सपोर्ट के साथ बैक सपोर्ट भी दिया गया। उसके बाद बकेट सीट कवर हमारे रहने वाले, एक ही सीट कवर में आपको इतनी सारी क्वालिटियाँ देखने को मिल रही है। हेडरेस में भी चेन सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दिया गया, साथ में आर्मरेस्ट लगा दिया भैया को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये में देख सकते हैं। और एक चीज बता दूं यहाँ पे जो डिस्काउंट रहने वाला है 61% ऑफ है ऑन मारुति जेन्युइन एसेसरीज पे। उसके बाद अलॉय व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 23,500 में। तो भाइयों गाड़ी में तो यही कुछ किया गया था, अगर आपको भी ऐसा काम कराना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारी शॉप तिवारी का डेकोर पे, जहां आपको ब्रेजा की सारी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो वीडियो तो यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।